टोमेटो हमारे बिहार में बहुत ही प्रधान सब्जी क्रॉप है, और टोमेटो में लगने वाले कीड़े में मुख्य जो है हमारे बिहार में बैगन टोमेटो का जो फली छेदक है, सबसे ज़्यादा जो है वही फल को डैमेज करता है। उसके बाद टोमेटो का लीफ माइनर है, जिसको हम लोग सरपेंटाइन लीफ माइनर बोलते हैं इंग्लिश में, ये क्वारंटाइन पेस्ट है। और उसके बाद जो है हमारे चूसने वाले कीड़ा जैसे वाइट फ्लाई जो है, जैसे टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जो ट्रांसमिट करते हैं, वाइट फ्लाई है। और एफिड भी हमारे इधर जो है, एफिड का भी इन्फेस्टेशन होता है रवि के टाइम में, एफिड भी मुख्य कीड़ा है। तो हम एक एक के बारे में बताएंगे। पहले हम फ्रूट बोरर के बारे में बताना चाहेंगे। बैंगन का जो, टमाटर का जो फ्रूट बोरर है, ये कैसे डैमेज करता है, ये जनरली जो इनका कैटरपिलर है और यंग स्टेज जो है, ये कैटरपिलर ही जो है इनका मेन डैमेज करता है, एडल्ट इसको डैमेज नहीं करता है। तो कैटरपिलर जो फ्रूटिंग स्टेज ही मैक्सिमम इनको डैमेज करता है। ये इनिशियली जो फ्रूट में छोटा छेद करके और मेक ए वेरी स्मॉल होल और उसमें इन उसके अंदर घुसता है, और जब उसका लेटर स्टेज जब एडल्ट होने के टाइम होता है, तो वो टोमेटो फ्रूट से निकल के आता है, और जो फ्रूट का जो साइज जहाँ पे छेद करता है वो साइज बहुत बड़ा हो जाता है, द होल साइज इज बिकमिंग इंक्रीज्ड। एंड वो जो आप देख रहे होंगे फोटो में भी, जब जब निकलता है तो उसके अंदर कंप्लीट जो इसका एक्सक्रीटा रह जाता है। इससे जो है ये फ्रूट जो है अनमार्केटेबल हो जाता है, फ्रूट कोई खरीदता नहीं है। तो इसको कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हम कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन, बिकॉज ये इजिली विजिबल है, इसको हम कर सकते हैं। कुछ हम लोग वैरायटी जो लेस ससेप्टेबल, जो टॉलरेंट बोल सकते हैं हम लोग, वो वैरायटी जैसे रूपाली, रोमा, पूसा, रेड पाम, इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ रेजिस्टेंट वैरायटीज भी डेवलप हुआ, पंजाब केसरी, पंजाब चौसू, पंथ पहा, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं कल्चरल प्रैक्टिस में। हम इसमें ट्रैप क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। इसमें ट्रैप क्रॉप जो है मेरीगोल्ड का हम लोग यूज़ करेंगे। जो मेरीगोल्ड जो है वो 40 दिन पुराना मेरीगोल्ड होना चाहिए, और 25 दिन पुराना टोमेटो को अगर हम लोग जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो 1:10 रो, इसका मतलब है 1 रो मेरीगोल्ड और 10 रो टोमेटो, फिर 1 रो मेरीगोल्ड, 10 रो टोमेटो, इसी आधार से अगर हम लगाते हैं, तो जो हमारे हेलिकोबार्पा जो है ये एग लेइंग के लिए जो है मेरीगोल्ड को प्रेफर करेगा बिकॉज ऑफ देयर कलर। उससे क्या होगा, हमारे टमाटर में इन्फेस्टेशन बहुत हद तक कम हो जाएगा। ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप जो है, फेरोमोन ट्रैप भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फेरोमोन ट्रैप में हम जानते हैं मेल जो है वो अट्रैक्ट होता है। जो फेरोमोन ट्रैप हम यूज़ करेंगे उसका जो है, फेरोमोन ट्रैप जैसे हेलिल्योर हुआ, 15 ट्रैप प्रति हेक्टर के दर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं 15 डेज इंटरवल में, तो फेरोमोन ट्रैप भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम एक पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा किलोनिस 50,000 प्रति हेक्टर के माध्यम से हम लोग इसको फील्ड फील्ड में जो है इसको लगाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे हेलिकोबार्पा का जो एग है उसको वो पैरासिटाइज करेगा, इससे जो है इसका लाइफ साइकिल को जो है कंप्लीट नहीं करने देगा। इससे भी हम पॉपुलेशन चेक कर सकते हैं। कुछ प्रिडेटर है जैसे क्राइसोपार्ला है, इससे भी जो है अगर हम 50,000 एक और ग्राफ प्रति हेक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी हमारा पॉपुलेशन बहुत हद तक कम होता है। इसके बाद हम आते हैं केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में। केमिकल इंसेक्टिसाइड्स में जैसे इंडोक्सकार्ब हो गया, नोवालुरोन हो गया, क्लोरनेटिरिप्रोल हो गया, फ्लूबेंडामाइन हो गया, इनका भी यूज़ कर सकते। इंडोक्सकार्ब 0.5 ml प्रति लीटर पानी में हम लोग घोल करके, बस नोवालुरोन 1 ml प्रति लीटर पानी में, और जो है फ्लूबेंडामाइड 0.4 g प्रति लीटर पानी में भी घोल हम यूज़ करते हैं। कुछ बायोपेस्टिसाइड्स जैसे HANP भी 2.5 से 3 g प्रति लीटर के पानी के दर से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और एजाडिडक्टिन बाय NSKE जो है 5 ml प्रति लीटर पानी में। ऐसे करके जो हम पूरे जो हेलिकोबार्पा अरमिजेरा हो, जो जो फली छेदक है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारे जो है लीफ माइनर के बारे में बताएंगे। लीफ माइनर जो है ये लीफ को कंप्लीट माइन कर देता है। इनका जो है इमेच्योर स्टेज जो है मैगट, यही इनको कंप्लीट डैमेज करता है। मैगट क्या करता है, मैगट जो है ये
माइन करते हैं लीफ को, मतलब डीपली कट करते हैं, इनके सीवियर डैमेज से जो है लीफ जो है, जैसे आप लोग देख रहे हो जो स्नेक लाइक अपीयरेंस, स्नेक की तरह जो है अपीयरेंस होते हैं लीफ में, ये क्लोरोफिल को जो है स्क्रैप करते हैं, क्लोरोफिल को जो, इससे क्या होगा प्लांट जो है डीक्लोरोसिस हो जाता है, मतलब इसके अंदर कोई क्लोरोफिल नहीं रहता है, ये भूरा कलर का हो जाता है, आप देख रहे हो सिम्टम जब ओल्ड स्टेज होता है, जब इन्फेस्टेशन हो जाने के बाद भूरा कलर का हो जाता है। तो ठीक है, तो इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके मैनेजमेंट के लिए हम लोग जो है जो हमारा एफेक्टेड प्लांट है इनको हम लोग कलेक्शन एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद जो है ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम लोग नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, और उसके बाद हम लोग एक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है जो हम मेंशन इसमें नहीं किया, आप लोग लिख सकते हो, बुप्रोफेजिन नाम है उनका, 1 ग्राम बुप्रोफेजिन 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल करके हम छिड़काव कर सकते हैं, इसी से हमारा जो है कंप्लीट कंट्रोल हो जाएगा। अब आते हैं हम चूसने वाले कीड़े में, चूसने वाले कीड़े में जैसे प्रधान वाइट फ्लाई एफिड, जो आप अपने सामने देख रहे हैं, जो लिप कर्लिंग सिम्टम आप देख रहे हो ये ड्यू टू वाइट फ्लाई इन्फेस्टेशन के द्वारा हो रहा है। हम जो फाइल में वेट कलेक्शन किए हैं इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे ब्लैक एफिड देख रहे हो, एफिड भी जो है टोमेटो में है जो है बहुत हद तक इन्फेस्टेशन करते हैं, ये भी लिप कर्ल से, ये भी इसी से भी लिप कर्लिंग होता है। और एक मैं सैंपल दिखाना चाहूँगा, इट इज़ अ वायरस सैंपल, इट इज़ अ कम्प्लेक्स दैट इज जो है कम्प्लीट जो है लीव्स जो है कम्प्लीट स्मॉल हो चुका है, एंड इट इज नॉट हैविंग एनी फ्लावर एंड फ्रूट, दैट इज ऑल्सो दिस दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाई दिस सकिंग इंसेक्ट। तो इसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे, तो इसके लिए जो है हम लोग इसके लिए जो है हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बताना चाहेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है कलेक्शन, जहाँ पे जो है इसका इन्फेस्टेशन हम देखेंगे, तो अपरूटिंग और डिस्ट्रॉय करेंगे जो हमारा वायरस का इन्फेस्टेशन है। उसके बाद जो है हम इसको जो है जहाँ जब हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स देते हैं तो जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए, इसलिए करना चाहिए जो ज़्यादा देने से प्लांट लुक बिकम मोर सकुलेंट और उसमें मोर इन्फेस्टेशन हो जाता है, जितने भी हमारे आसपास में जो वीड्स है, बिकॉज वीड्स जो है वाइट फ्लाई का बोला जाता है होस्ट प्लांट है, तो जितने भी वीड्स है उस वीड्स को हम लोग जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय या रिमूव करना पड़ेगा हमारे आसपास के फील्ड से, जिससे क्या होगा जब भी हम कोई छिड़काव करेंगे ये वीड के पास जाके फिर अपना लाइफ साइकिल कंटिन्यू ना करें, तो जितने भी खरपतवार है उसको हटाना है। उसके बाद येलो स्टिकी ट्रैप का भी हम लोग यूज़ करते हैं, हम बताए हैं येलो स्टिकी ट्रैप से क्या होगा, जो हमारे चूसने वाला कीड़ा है इसमें जो है वो अट्रैक्ट होके इसमें स्टक हो जाएगा, बिकॉज स्टिकीनेस है उसके अंदर, इससे जो है फिर वो जो है इसका पॉपुलेशन बहुत हद तक चेक होगा। उसके बाद हम कुछ केमिकल पेस्टिसाइड लाइक थायोमिथाक्साम का भी हम छिड़काव कर सकते इमीडा क्लोरोपिट का भी हम कर सकते हैं, डाइमिथॉइड अभी बैंड हो चुका है हम लोग नहीं करेंगे, मेलाथायोन भी अभी बैंड हो चुका है, तो थायोमिथाक्साम का छिड़काव कर सकते हैं 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल करके, वह इमीडा क्लोरोपिट जो है 0.3 ml प्रति, इससे जो है बहुत हद तक हम लोग को कंट्रोल हो जाएगा। और हम लोग बीज शोधन करके ही लगाएं, जो इमीडा क्लोरोपिट से करते हैं और थायोमिथाक्साम से करते हैं हम लोग 5 ग्राम प्रति kg सीड, तो इसके दर से हम लोग जो है बीज शोधन करेंगे, और हम लोग सीडलिंग डीप ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी में थायोमिथाक्साम को घोल करके और 0.3 ml प्रति लीटर पानी में इमीडाक्लोरोपिट, इससे जो है हमारा जो चूसने वाले कीड़ा है ये बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू।